फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो विद फूड चैनल। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नए रेसिपी को बनाएं। चलिए आज हम बनाते हैं दाल तड़का ढाबा स्टाइल, बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने यहाँ एक कप तूर दाल लिया है और इसमें थोड़ा मैं मूंग दाल ऐड करूँगी। इसको मैं अच्छी तरह वॉश करके दो तीन पानी में इसको कुकर रखूँगी। देखिए, मैंने इसको वॉश करके रखा है। अभी मैं इसमें हाफ स्पून हल्दी डालूंगी और थोड़ा तेल। ऑयल डालने से जल्दी दाल पकेगा, इसके लिए ऑयल थोड़ा डालना जरूरी है। मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, तेल और थोड़ा घी डाला था, एक स्पून तक घी डाला था। उसको गरम कर लीजिए। अभी ये ऑयल गरम हो चुका है, अभी हम इसमें राई और जीरा डालेंगे। ये मैंने लहसुन है बारीक कट करके डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह फ्राई कीजिए। थोड़े कड़ी पत्ते हैं, इन सबको अच्छी तरह दो मिनट तक फ्राई कीजिए। थोड़े ब्राउन कलर होने चाहिए, थोड़े लहसुन। इसमें मैंने दो लाल मिर्च तोड़ के डाले हैं, ये फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा हींग डालूंगी। ये प्याज है, हाफ ओनियन दिया था, इसको मैं इसे लंबे काट कर रखा था, इसको दिया स्लाइसेस करके से डाल दीजिए। इसको एक दो मिनट तक पकाए। अभी दो मिनट हो चुका है, अभी इसमें हम मैंने दो मीडियम साइज टमाटर लिए थे बारीक कट, उसको भी कट कर लिया था फाइन का। उसको भी थोड़ा फ्राई कीजिए ऑयल में, उसको सौते कीजिए। उसी वक्त आप इसमें नमक डाल दें, फिर इसको मिक्सअप कीजिए जल्दी, टमाटर पक जाएगा। अभी इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, टू स्पून डाल देंगे हाफ। इसको अच्छी तरह सौते कीजिए ताकि रेड चिली का जो रॉ स्मेल रहता है अच्छी तरह पक जाए। इसको ढककर टू मिनट्स पकाइए। इस पर रेड चिली पाउडर भी पकेगा, बाद में टमाटर भी पकेंगे। रेड चिली का जो रॉ स्मेल रहता है वो भी चला जाएगा और टमाटर भी पक जाएंगे। इसके लिए इसको ढककर पकाएंगे। देखिए, दाल पूरा पक चुका है। अब इसकी सहायता से इसको अच्छी तरह स्मैश कीजिए। देखिए, दाल को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब इसको देखेंगे, ये भी अच्छी तरह टमाटर भी पक चुके हैं, अभी इसमें मिक्सअप हो चुके हैं। अभी हम जो दाल है उसको इसमें डालेंगे। मैंने इसमें दाल डाल दिया है, अभी इसको अच्छी तरह मिक्सअप कीजिए। आपको कितना वाटरी कंसिस्टेंसी चाहिए उतना डाल सकते हैं, लेकिन दाल फ्राई थोड़ी गाढ़ी हो तो ही अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा पानी मिलाया है मैंने और इसको दो मिनट ढककर पकाऊंगी।
देखिए कितनी परफेक्ट आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है दाल। अभी इसमें लास्टली हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप इस धनिया पत्ता, थोड़े रॉ ऑनियंस और थोड़ा घी डालकर सर्व कीजिए। चपाती के साथ, राइस के साथ, जीरा राइस के साथ और नॉन के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। मैंने जीरा राइस की रेसिपी भी डाली है, नॉन की रेसिपी भी डाली है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया रहेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इतना अच्छा कलर है, बहुत अच्छा बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंफोबिस्वा चैनल। इसके साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, इससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आपसे आकर पहुंचेंगे।